हो गई, लिटिल में है, चालू हुई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया था दिगोड़ा का किला घूमने के लिए। ये दिगोड़ा का किला है और हम देखिए आप लोगों को दिखाते हैं ये शानदार नज़ारा। धन्यवाद। तो देखिए भाई, ये दिगोड़ा का शानदार नज़ारा, ये दिगोड़ा का किला है और हम आगे चल के आपको सारा यहाँ का सब सीन दिखाऊंगा। ये देखिए कितना मस्त बेहतरीन पुराने राजा महाराजा की डिजाइनों में बना है। देखिए भाई, अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये अंदर यहाँ का ऐसा शानदार नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ बहुत बड़ा राजा महाराजा के ज़माने का गेट है, ये देखिए पुरानी डिजाइन में बना हुआ है। रहा होगा पहले राजा के ज़माने में, जो आज के समय में इसमें पानी नहीं है। और एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, ये देखिए यह सब मंदिर, ये यहाँ छोटा सा मंदिर होगा पुराने ज़माने का। ये राधा जी लिखा है, इसमें भी मंदिर होगा। और हम ये देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन में बना हुआ है, सामने का दिखाऊं। ये देखिए टीम कैसा मस्त बना हुआ है। ये देखिए आज मैदान ऐसा पड़ा हुआ है, बस आज अब बच्चे लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं। देखिए आज के समय में ऐसा ज़मीन खंडर पड़ रही है, अब यहाँ पर वो सुविधा नहीं बची है जो राजा के ज़माने में हुआ करती थी। और अब तो शायद जानवर भी घुसते होंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खास चीज़ें इधर ऐसी हैं कि घूमने लायक हैं। और ये मंदिर भी है यहाँ पे ऐसा, ये देखिए मंदिर तो डिजाइन में अच्छा है, चालू भी है और भक्तगण भी आते होंगे घूमने वाले। वही बाकी यहाँ ऐसी पार्क टाइप का बन गया है जो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। और ये हमने कुआ तो आपको पहले ही दिखा दिया है, इसमें पानी भी नहीं है, अब सूख गया है। ये राजा के ज़माने में भरा रहता होगा, इसी से पानी उपलब्ध होता होगा। ओके, ये यहाँ से ऊपर जाने वाला रास्ता है। ये बॉर्डर बना हुआ है लगकर, इसके साथ सेना खड़ी जाती हुई और कैमरा वाले भैया आप थोड़े चले आ जल्दी जल्दी। और ये देखिए कुछ कमरे भी हैं जो बंद पड़े हैं, यहाँ शायद कोई नहीं आता होगा। और ये भी कमरे बंद कर दिए गए, जाली लगा दिए गई हैं।
और यहाँ भी अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है। ये देखिए अंदर तो शायद कोई जाता होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अंदर, अंधेरा सा पड़ा हुआ है। और ये आगे देखिए, देखिए भाई लोग, आपने ये सब कुछ देख लिया होगा। इस कमरे को भी देख लेंगे अपन, इस कमरे में देखिए, इसमें भी सब ऐसा ही विरान पड़ा हुआ है। लगता है शायद पहले कोचिंग या स्कूल खोला गया होगा। एक बोर्ड भी दिख रहा है, ये देखिए एक काला बोर्ड, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको ऐसे ही डरा है, लेकिन फालतू लोग घूमने के लिए आते होंगे। और आगे चल के देख लेते हैं, आपने वो मंदिर देखा था, उस मंदिर को भी थोड़ा देख लेंगे। देखिए यहाँ कुछ बागड़ा होगा छोटा वाला, यहाँ पर आगे ही मिलेंगे। और ये दवाई तो आपने देख लिया होगा। और ये भगवान जी का वो मंदिर था जो हमने बताया था नीचे से, ये वाला मंदिर है। रेडी, देखिए मंदिर, अब हम आते हैं मंदिर घूमने के लिए। देखिए हमने मंदिर भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, और आप देखते हैं अपन इधर यहाँ का हम। यहाँ तो बहुत वीरान जगह हो गई है, साफ सफाई थोड़ा कम है, लेकिन घूमने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे वाह, क्या बात है ये, देखिए कैमरा वाले भैया कैमरा घुमाइए थोड़ा, ये देखिए बावरी भी कितनी मस्त और शानदार नज़ारा। ये देखिए अभी पानी भी है, आज के समय में भी पानी है इस बावरी में। ये देखिए कितने दरवाजे होंगे इसमें, राजा महाराजा के समय में कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पे। ये देखिए डबल मंजिल भी है, और इतना गहराइयों भी, इतनी गहराई उसने इतनी सफाई से बनाई गई है। ये यहाँ पे भी अभी भी जीना लगा हुआ है, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है जीना। अभी बावरी में अंदर पानी भी है, और ये लगता है देखिए यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है, एक दरवाजा द्वार यहाँ से भी ये दिखाई दे रहा है, जीना है। हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी शाम का टाइम है, अंदर अंधेरा भी दिख रहा है, और एक दरवाज़ा इसमें अंदर से दिख रहा है देखिए यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर का दरवाज़ा नहीं है मुझे पता। और अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, इसलिए अभी हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाएंगे, मगर देखने में अच्छा लग रहा है। और अपन चलेंगे अब आगे देखने के लिए। और किले का नज़ारा उसके दूसरे छत से देखेंगे कैसा लगता है। Yeah.
देखिए हम यहाँ से आ गए हैं, ऊपर मंदिर था इसलिए हम पाँव में चप्पल नहीं लगे, जूता नहीं पहन के आए मंदिर में, जूता नहीं पहन के। ये देखिए यहाँ कितना मस्त और बेहतरीन लग रहा है, यहाँ पे बैठने की अच्छी उत्तम व्यवस्था है, अच्छा है। देखिए यहाँ पर भी अच्छा मस्त लग रहा है, और ये देखिए किला यहाँ से कितना शानदार दिख रहा है, ये देखिए कि डिजाइन दीजिए कितना मस्त लग रहा है। और अब हमने आपको ये सब शानदार किला का नज़ारा दिखा दिया है, अब चलते हैं अपन मंदिर में, वहाँ पर शायद एक अम्मा जी रहती हैं, उनसे अपन कुछ पूछेंगे। चलो तो भाई हम चलते हैं, हमने आपको शानदार नज़ारा दिखा दिया है, अब हम चलते हैं घर वापस। Thank you.